हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग एंड अदर व्लॉग। तो आई होप कि तुम सारे ठीक ठाक होवोगे, राजी बाजी होवोगे, फिट फाट होवोगे। मेरा मतलब तुम सारे जने ना जड़े उस्ताद होवोगे। तो भाई साहब, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी बजे हैं तकरीबन 6 बज के कुछ मिनट हुए हैं। तो आज बच्चों ने नहीं जाना स्कूल, तो मैं आया हूँ घोड़े चौक में। मैंने कहा आज यहाँ से व्लॉग शुरू करते हैं। तो सूरज निकलने वाला है, तो कोशिश करता हूँ कि सूरज देखते हैं, अगर ना निकला तो भी कोई बात नहीं, वैसे ही चले जाएंगे। तो पहले मैं हल्की फुल्की वॉक कर रहा हूँ, वॉक करके देखते हैं क्या करना है, क्यों करना है और किस वजह से करना है। तो गाइस इजिली भाई ना, अभी मैं आ गया हूँ वापस वॉक वॉक करके। तो जब सुबह सुबह वॉक करते हैं ना, बहुत मज़ा आता है सच्ची। सुबह जैसी कोई बात ही नहीं है, हर चीज़ में बरकत है, मज़ा ही आ जाता है, एक अलग ही नज़ारा होता है। तो अभी हम देखते हैं क्या करना है, क्योंकि इधर सोए थे आज बादशाह साहब चले गए हैं अंदर, तो हम भी अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या करना है। तो गाइस इजिली फाइन, अभी मैं उठ गया हूँ। तो अभी मैं करने लगा हूँ नाश्ता, क्योंकि धूप निकल आई है और 10 या 11 बज गए हैं। तो जल्दी जल्दी करते हैं नाश्ता, फिर काम वाम भी करने होते हैं, आपको पता ही है। चिकन शोरबा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, किचन कुचन साफ कर लिया है, नाश्ता कर लिया है। तो अभी ऊपर मैं ना छोड़ के आया हूँ कंबल, तो कंबलों के ऊपर डालनी है ये चादर, चादर ऊपर डाल के आते हैं हम। आप भी चलिए मेरे साथ और मैं भी जाता हूँ आपके साथ। 1 2 3 गो। तो अभी मैं आ गया हूँ जी ऊपर वाले कमरे में। तो ये पड़े हैं जी कंबल, इनके ऊपर डालनी है ये वाली चादर, ताकि ये मिट्टी से बचे रहें, कट्टे से बचे रहें और काफ़ी सारी चीज़ों से बचे रहें। तो फाइनली गाइस, चादर कंबलों के ऊपर डाल दी है। तो ये वाला कंबल मैं ले आया हूँ नीचे, ये मेरा कंबल है। तो भाई साहब, अभी इसके ऊपर पानी डाल के इसे धोना है अच्छे तरीके से, ताकि सर्दियाँ हमारी बड़ी मज़े तरीके से गुजरें। तो मैं जल्दी जल्दी इसके ऊपर डालता हूँ पानी, फिर इसको धोना है बहुत यूनिक तरीके से। तो वो भी आज कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी इसके ऊपर पानी पूनी डाल दिया है, वो इसलिए डाला ताकि ये ना आधा घंटा पानी में रहेगा, फिर इसकी ना मैल मूल निकल जाएगी, फिर इसे अच्छी तरह से ब्रश शुरश मार के, अच्छी तरह से ना मतलब कि सर्फ सुर्फ निकाल के, फिर इसे पानी मार के टांग देंगे जैसे द्वार के ऊपर कोई आहो। तो फाइनली गाइस, तकरीबन कोई हमारे कंबल को भी गोए हुए 1.5 से 1 घंटा हो गया है। तो अभी इसके ऊपर अच्छी तरह से ना सर्फ फेंक के, फिर इसके ऊपर ना ऐसे स्लीपें मारनी है पैरों के साथ, ताकि ये इसका पानी ना बाहर जाए, तो ये हमारा काम आसानी से, इसकी मैल मूल निकल जाए और हम इसे धो के उसके ऊपर डाल दें। तो जल्दी जल्दी से करते हैं जी। तो फाइनली गाइस, हमारा कंबल पूरे 2 घंटे बाद धुल गया है। तो भाई साहब, बहुत मेहनत लगी है इसके ऊपर, क्योंकि सुबह का भी धोया हुआ था। तो अभी देखें कैसे पानी निकल रहा है, बहुत मुश्किल से इसके ऊपर रखा है,
अभी ये तकरीबन कोई एक घंटा इसके ऊपर रहेगा, इसका पानी नुचट जाएगा, फिर आसानी से इसे हम दोबारा पे सूखने डाल देंगे। तो अभी हो गया है जोहर की नमाज़ का टाइम, मैं पढ़ने लगा नमाज, आप भी पढ़ लें और आप भी अपने फ़राइज़ अदा कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जोहर की भी नमाज़ पढ़ ली है, असर की भी पढ़ ली है और भाई साहब अभी अभी मगरब की अदा करके आ रहा हूँ। तो अभी हो गई है रात, तो साथ साथ हमने कंबल भी वो देखें डाल दिया, आज तो सारा दिन कंबल के साथ ही गुजर गया। तो अभी कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद प्यारी इसी व्लॉगिंग की एंडिंग करते हैं और उसके बाद हम सोते हैं और उसके बाद फिर सुबह से उठते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ जी किचन में, तो अभी काटने हैं हमने फिल वक्त टिंडे और साथ साथ खाने हैं चावल और चाय बन रही है और प्याज मिर्ची मैंने काट दी हैं, तो ये काट के फिर बनाने हैं, फिर बना के आपको पता रात का खाना खाना डिनर डिनर के लिए ये टिंडे तैयार करने हैं टिंडे डोनाइट। तो गाइस ली भाई पूरे बज गए हैं 8 और हमने दूध भी आ गया, दूध भी उबल गया साथ साथ, भाई साहब टिंडे भी पकने वाले थे लेकिन ना वो नीचे लग गए, शुक्र है मैं जल्दी जल्दी आ गया किचन में। तो अभी भाई साहब मोइज़ बस गए थे उधर किसी के घर, अपने तायाबू के घर गए थे, तो वहाँ से लेके आए गया जी ये मज़ेदार सी बिरयानी और साथ जरदा चावल, पहले हमने वो खाए थे अब ये खाते हैं मज़े से। ये हैं जी जरदा चावल और साथ बिरयानी और साथ मलाई बोटी और साथ छोटा सा कबाब और बस। तो फाइनली गाइस आज के सारे काम वाम हो चुके हैं, जैसा कि खाना भी खा लिया और सारा दिन जो हमने खच्चे मारनी थी वो भी मार ली है। तो अभी भाई साहब नमाज भी पढ़ ली है और आप भी पढ़ लें और आप भी अपने फ़र्ज़ अदा कर लें। तो आज का व्लॉग हम यहीं और इसी वक्त एंड करते हैं, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरे न्यू व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब के कल, तो कल भी दोबारा से मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वज़ल।